म्यूजिक। ए भैया नया साल आता पार्टी घई से मनेगा पार्टी। ए सुनो बियास अगर पियाले में कुछ एने उने हो गया तो कंट्रोल बेबी कंट्रोल। सो ओके गाइज, अभी आपको ये प्रीव्यू स्टेटस जो आपने देखा, आपको ये प्रीव्यू स्टेटस कैसा लगता है आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सो गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एलाइट मोशन के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। देन मैं डिस्क्रिप्शन से आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और सिक इफेक्ट को अपने एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, एंड इसके साथ ही आपको 3 वीडियो क्लिप्स भी देखने को मिल जाएंगे। वो वीडियो क्लिप्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड आपको क्या करना है गाइज, कि अपना सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मीडियम चले जाना है। यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जहाँ से आपने वीडियो क्लिप को रखा होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करके रखा होगा उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ मेरा वीडियो क्लिप देख सकते हो गाइज आ गया। तो सबसे फर्स्ट वाला जो वीडियो क्लिप है मैं यहाँ पे इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही ऐड करूँगा देख सकते हो हमारा नेक्स्ट बीट तक हमारा फर्स्ट वाला वीडियो क्लिप ऐड हो गया। एंड यहाँ तक आपको ऐड करने के बाद आपको सिंपली फ़ोटोज़ को ऐड करना है। अगर आपको भी ये सारे फ़ोटोज़ जो मैं यूज कर रहा हूँ HD क्वालिटी में चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो गाइज आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फाइल को सिलेक्ट करता हूँ जिस फाइल में मैंने फ़ोटोज़ को रखा हुआ है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली फ़ोटोज़ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे कर दूँगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट बिट पे आके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना है, और यही प्रोसेस करते हुए आपको आगे भी फोटोज़ को ऐड करना है। और गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जितने भी लेयर्स देखने को मिलेंगे सभी लेयर्स पे 9x60 की रेशियो में फ़ोटोज़ को ऐड कर देना। तो फोटोज़ को आपको क्रॉप करना है तो पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता दिया है, तो आप बहुत सारे फोटोज़ को देख के आप क्रॉप कर सकते हो जितना भी फोटो क्रॉप करना हो। एंड गाइज लेयर पे फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली इस लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल का ऑप्शन में चले जाना, एंड स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जिस फाइल में अपने फ़ोटोज़ को रखा होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फाइल में मैंने फ़ोटोज़ को रखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा काफ़ी सारा फ़ोटोज़ मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है। तो सिंपली एक फ़ोटो को मैं यहाँ पे सिंपली से क्लिक करता हूँ, एंड जैसे ही प्लस वाला के अंदर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो कितना परफेक्ट तरीका से यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो गाइस यही प्रोसेस करते हुए यहाँ पे आपको जितने भी लेयर्स देखने को मिलेंगे सारे लेयर्स पे इसी टाइप से आप फोटोज़ को ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से फ़ोटोज़ को ऐड करते हुए एंड जो भी हमारा यहाँ पे स्पेस बच रहा है उस पर सिंपली फ़ोटो को ऐड कर देना इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐड करके एक दिखा देता हूँ, इस तरह से यहाँ पे फ़ोटोज़ को ऐड करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चलिए लास्ट तक जितने भी हमारा फ़ोटोज़ ऐड हुआ सारे फ़ोटोज़ को करते हैं ऐड, और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। ओके गाइस, तो सारे फ़ोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में तो मैंने वीडियो क्लिप आपको ऐड करके दिखाया था, उसी टाइप से आप यहाँ पे आगे स्क्रॉल करोगे तो जहाँ जहाँ वीडियो क्लिप ऐड होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ स्पेस है मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट करके दे दिया कि कहाँ कहाँ वीडियो क्लिप ऐड होगा, वहाँ पे आपको डबल बिट मार्क भी मैंने लगा दिया है। तो सिंपली वहाँ पे सिंपली अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना जिस फाइल में अपने वीडियो क्लिप्स को रखा होगा। ठीक है, एंड यहाँ से आपको उस वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ से भी देख सकते हो हमारा फोन यहाँ पे एक वीडियो क्लिप ऐड हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से वीडियो क्लिप ऐड करके मैच भी कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं। एंड अगर इस बीट से एक्स्ट्रा पार्ट होता है तो इसे कट भी कर देना। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो क्लिप है ये लास्ट में ऐड होगा, इस लास्ट वाले वीडियो क्लिप को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके गाइज, तो सारी वीडियो क्लिप्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड वीडियो क्लिप्स को ऐड करने के बाद आपको हो जाना है यहाँ से बैक, हम लोग आ जाएंगे अपने सिक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। फर्स्ट वाला इफेक्ट जो है सिंपली फोटो पे इफेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है, एंड इफेक्ट में चले जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे फर्स्ट वाले वीडियो क्लिप के बाद हमारा जो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 फोटो है, ठीक है, आपको सिंपली इस 2 फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है। एंड आपको इस तरह से अप्लाई करने के बाद फोटो पे क्लिक करके एंड इफेक्ट में जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद हमारा इस इफेक्ट का काम हो जाता है कंप्लीट। एंड यहाँ से आपको हो जाना है बैक, अगेन हमें फिर से अपने आना है सेक इफेक्ट के अंदर, और हमारा जो यहाँ पे इफेक्ट है सेकंड नंबर, इसे हम लोग सिंपली यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। और सेकंड वाले इफेक्ट को कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग के दो फोटो पे हमने इफेक्ट को अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टेप से लेयर था, ठीक है। लेयर्स पे फोटो को भी आप लोगों ने ऐड कर दिया होगा। तो 9.12 सेकंड पे हमारा जो डबल बीट मार्क है, सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना एंड यहाँ पे जो फोटो है उस पे आपको ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है, जो कि हमने सेकंड वाले इफेक्ट को भी हमने कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज वन बाय वन करके आपको तब तक ऐड करना है जब तक हमारा नेक्स्ट डबल बीट मार्क ना हो यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो गाइज यहाँ पे डबल बीट मार्क मैंने अब चिन्ह कर दिया पहले से, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसका टाइमिंग मैं आप देखा देती हूँ, 9.12 सेकंड से यहाँ पे मैं इसे अप्लाई किया एंड अगेन आपको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके आना है। टाइमिंग यहाँ पे भी आप देख लो, इसकी टाइमिंग जो है 21.11 सेकंड, ठीक है। स्टेप से हमारा लेयर से उसके बाद 21.11 सेकंड पे ये वाला फोटो होगा। सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर इसे भी इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट डबल बीट मार्क तक जितने भी फोटोज है उतने फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से सेम टू सेम अप्लाई करना है। तो भाई यहाँ पे इसे अप्लाई करने के बाद हम लोग हो जाते हैं यहाँ से बैक एंड अपने सिक इफेक्ट के अंदर आने के बाद हमारा जो थर्ड वाला इफेक्ट है, सिंपली इस इफेक्ट को भी आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे एंड गाइज आपको आ जाना है इसके बाद जहाँ पे अभी हमने सेकंड वाला इफेक्ट को पेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर से स्टेप से आपको दो लेयर देखने को मिला होगा एंड इन दोनों लेयर्स के बाद स्टेप से दो लेयर्स देखने को मिला होगा एंड यहाँ पे उसके बाद हमारा जो यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग 13.10 सेकंड पे जो फोटो है, सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना एंड इफेक्ट में जाने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। 13.10 सेकंड पे सिंपली तीन फोटोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन तीनों फोटोस पे आपको थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे तो आपका इसका भी काम हो जाएगा कंप्लीट। थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद गाइज आपको फिर से सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है एंड हमारा जो फोर्थ नंबर का इफेक्ट है इसे स्टेप से आपको इसे क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको जो मैं टाइम बताऊंगा उस टाइम को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। आपको आ जाना है 17.9 सेकंड पे, यहाँ पे आपको जो फोटो देखने को मिलेगा सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ से लेकर नेक्स्ट डबल बीट मार्क तक आपको यहाँ पे जितने भी फोटोज मिलेंगे आपको क्या करना है कि इसी तरह से फोर्थ नंबर वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। तो गाइस यहाँ पे टोटली आपको पाँच फोटोज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे पांचों फोटोज पे ऐड करने के बाद हमारा यहाँ पे इसका भी काम हो गया कंप्लीट एंड आपको फिर से अपने सिक इफेक्ट के अंदर आ जाना है। फोर्थ नंबर का मेरा इफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमारा जो फाइव नंबर का इफेक्ट है सिंपली से हम लोग यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट करने के बाद हमने फिर से सॉन्ग बीट मार्क मुझे कॉपी करना और जहाँ पे अभी हमने फोर्थ नंबर का इफेक्ट को ऐड किया था उसके आगे अब हमें फाइव नंबर का इफेक्ट को ऐड करना है। तो हम लोग अपने आ जाते हैं 19.7 सेकंड पे जो हमारा इफेक्ट है, यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे फोटो पे, ठीक है। इसी तरह से आगे वन बाय वन करके हम यहाँ पे फोटोज पे ये वाला अप्लाई करेंगे इफेक्ट को। तो गाइस यहाँ पे तकरीबन चार फोटोज पे ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करते ही हमारे इस इफेक्ट का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने इस इफेक्ट को अप्लाई किया और यहाँ पे भी हमारे इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ से आगे आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ से हो जाते हैं बैक एंड सेफ इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं और हमारा जो लास्ट वाला इफेक्ट है हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे, जो कि हमारा सिक्स नंबर का इफेक्ट है, ठीक है। सिक्स नंबर का इफेक्ट को कॉपी करने के बाद लास्ट वाला आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में आ जाना है। हम लोग जो लास्ट में फोटोज़ को ऐड किया था 23.21 सेकेंड से लेकर लास्ट तक आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप से पहले जितने भी फोटोज ऐड हुए हैं अब यहाँ से आपको लास्ट वाला इफेक्ट जो कि हमारा सिक्स नंबर का इफेक्ट है इसे सिंपली अप्लाई कर देना है, ठीक है। जानकारी जब सारे फोटोज़ पे इफेक्ट्स को अप्लाई कर दोगे तो आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। आई थिंक गाइज आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।